डियर लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दत्ता एमएस स्टडी में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग फिर से हाजिर हों स्क्वायर नंबर की प्रॉपर्टी को लेकर। पूर्व की वीडियो में हम लोग 5 प्रॉपर्टी जान चुके हैं, 5 प्रॉपर्टी को देख चुके हैं, उसका एग्जाम्पल भी हम लोग देख चुके हैं। आज हम लोग फिर 5 के बाद नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है उसको देखेंगे। तो आइए देखते हैं छठा प्रॉपर्टी। छठा यानी 6 नंबर प्रॉपर्टी क्या है? द स्क्वायर ऑफ ए डेसिमल फ्रैक्शन लेस देन 1 इज स्मॉलर देन द गिवन डेसिमल। यानी क्या है कि फ्रैक्शन अगर डेसिमल में है और वो 1 से छोटा है तब क्या हो जाएगा कि डेसिमल फ्रैक्शन का अगर स्क्वायर निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, उस डेसिमल फ्रैक्शन से छोटा होगा। जैसे यहाँ एक एग्जांपल है 0.1 एक डेसिमल फ्रैक्शन है। कैसे? यानी 1 बाई 10 को हम लोग क्या करेंगे, 0.1 के रूप में लिख सकते हैं। तो ये डेसिमल फ्रैक्शन है। जब डेसिमल फ्रैक्शन है यानी दशमलव भिन्न है, और ये क्या है, 0.1 क्या है, वो 1 से छोटा है, ये 1 से छोटा है। जब दशमलव भिन्न का ये 0.1 का स्क्वायर निकालेंगे तब क्या हो जाएगा, 0.01। तो क्या हो जाएगा, ये 0.1 से भी छोटा हो जाएगा। तो यहाँ वही चीज़ है। पूर्व में हम लोग क्या देखे थे, फ्रैक्शन नंबर को देखे थे कि फ्रैक्शन का अगर स्क्वायर निकालते हैं तो वो दिए गए फ्रैक्शन से स्मॉल होता है। यहाँ भी क्या होता है कि डेसिमल फ्रैक्शन है और 1 से छोटा है, और जब डेसिमल फ्रैक्शन का स्क्वायर निकालते हैं तब भी वो दिए गए डेसिमल फ्रैक्शन से छोटा होता है। ये है 6 नंबर प्रॉपर्टी। अब 7वां नंबर प्रॉपर्टी में क्या कह रहा है, द स्क्वायर ऑफ ए नेचुरल नंबर n इज इक्वल टू द सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर। यानी कोई नंबर है जिसका स्क्वायर निकालना है, परफेक्ट स्क्वायर निकालना है, तो वो क्या हो जाएगा, उसका जो परिणाम आएगा वो पहला n ऑड नेचुरल नंबर के सम के बराबर होगा। जैसे यहाँ देखिए एन स्क्वायर इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर। यानी एन अगर आपका 4 है 4 का स्क्वायर निकाल लीजिए तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 16। अब ये क्या कह रहा है कि सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर, तो ये एन हम लोग क्या मान लिए 4, तो हम लोग यहाँ हो जाएगा 1+3+5+7, इस चारों को जोड़ कर दीजिए, ये हो जाएगा 7+5 कितना हो जाएगा, 12+3+15+16। यानी क्या है कि हम लोग बिना देखे अगर इस ढंग का हम लोग को करने देगा, मान लीजिए अगर एक दे देगा कि आपको निकालना है 7 का स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा, सम ऑफ क्या nth ऑड नेचुरल नंबर में निकालिए, तब यहाँ क्या है 7 है, तो 7 है तो ऑब्वियसली हम क्या करेंगे, 1+3+5+7+9+11+13, ये हो गया 1+2+3+4+5+6+7। यानी फर्स्ट ऑड नेचुरल नंबर 1+3+5+7+9+11+13 इस तरह से आएगा। तो इसको जोड़िए 13+11 कितना हो गया 26, 26+9+35, 35+7, 42, 42+5, 47, 47+3, 48, 48+1, 49। यानी 7 का स्क्वायर अगर निकालते हैं तो 49 आ जाता है। तो यही प्रॉपर्टी 7 में है कि द स्क्वायर ऑफ ए नेचुरल नंबर n इज इक्वल टू द सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर। अब देखिए 8 नंबर प्रॉपर्टी क्या लिख रहा है, द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर इज इक्वल टू देयर सम। यानी 2 अगर लगातार स्क्वायर नंबर है या परफेक्ट नंबर है, दोनों को अगर डिफरेंस निकालते हैं दोनों का, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, दोनों का डिफरेंस क्या होगा, दोनों को अगर सम कर दीजिएगा तो उसके बराबर हो जाएगा। तो यही है कि n प्लस 1 का स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इक्वल टू n प्लस 1 प्लस 1 n। यानी n कोई नेचुरल नंबर है और प्लस 1 यानी ये n नेचुरल नंबर है, मान लिया जाए इसको 7 मान लिए हैं तो 8 हो जाएगा। तो 8 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर ये क्या हो जाएगा, आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं 8+7=15, इसका आंसर आएगा 15।
19 स्क्वायर माइनस 18 स्क्वायर, तब 19 प्लस 18 दोनों को जोड़ दीजिए, 37 आ जाएगा। यानी इसको बिना कैलकुलेशन किए हम लोग इसको इस फॉर्मूला के आधार पर इसको निकाल सकते हैं। तो यही है कि द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर, यानी दो लगातार नंबर है जिसका स्क्वायर निकालेंगे और उसका डिफरेंस अगर कर देंगे तो दोनों को जोड़ देने के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी को देखते हैं। प्रॉपर्टी 9 क्या है, द यूनिट डिजिट्स ऑफ द स्क्वायर ऑफ ए नेचुरल नंबर इज द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डिजिट एट यूनिट प्लेस ऑफ द गिवन नेचुरल नंबर। देख लीजिए यहाँ कि यूनिट डिजिट ऑफ द नंबर और यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ द नंबर। एक नंबर है 10 और 10 में क्या है, यूनिट डिजिट क्या है, 0 है। तो इसका अगर हम स्क्वायर निकालेंगे तो 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 100। तो इसका भी यूनिट डिजिट क्या आएगा, 0 आएगा। तो यही है कि अगर नंबर के यूनिट डिजिट 0 है तो स्क्वायर नंबर का भी यूनिट डिजिट 0 होगा। ठीक इसी प्रकार 11 स्क्वायर यानी 121 और 9 स्क्वायर यानी 81। ठीक है, इस चीज को देख लीजिए कि किसी संख्या का यूनिट डिजिट अगर 1 है और किसी संख्या के यूनिट डिजिट अगर 9 है तो स्क्वायर जब स्क्वायर हो जाएगा तो इसका भी यूनिट डिजिट क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, किसी संख्या में इकाई अंक अगर 2 या तो 8 है तो स्क्वायर नंबर जब निकालेंगे तो उसका यूनिट डिजिट्स में क्या हो जाएगा, 4 आ जाएगा। कैसे, देखिए 2 यानी मान के चलिए 12 है तो 12 का स्क्वायर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 144। तो यूनिट डिजिट में क्या आ गया, 4 आ गया। और 8 है, 8 को ही मान लीजिए, 8 को मान लीजिए, 8 का स्क्वायर यानी क्या हो जाएगा, 64। यहाँ भी यूनिट डिजिट 4 है, यानी 2 और 8 दोनों का अगर यूनिट डिजिट किसी संख्या का 2 और 8 है और इसका स्क्वायर नंबर निकालते हैं तो यूनिट डिजिट 4 हो जाएगा। 3 और 7 किसी संख्या का यूनिट डिजिट अगर 3 और 7 है तो स्क्वायर नंबर का यूनिट डिजिट 9 हो जाएगा। किसी संख्या का यूनिट डिजिट अगर 4 और 6 है तो इसका भी 6 हो जाएगा। यहाँ देख लीजिए, याद रखने के लिए 1 और 9 दोनों को जोड़ दीजिए 10, 2 और 8 10 हो गया, 3 और 7 10 हो गया, 4 और 6 10 हो गया, 5 अलग हो गया, 0 अलग हो गया। 5 तो आप लोग जानते हैं कि किसी संख्या के लास्ट में यानी यूनिट डिजिट अगर 5 है, 5 है तो स्क्वायर नंबर जब हम उसका निकालेंगे तो उसका भी यूनिट डिजिट 5 हो जाएगा। तो ये जो है ना, ये प्रॉपर्टी 9 जो है ये ज़्यादातर यूटिलाइज होता है, ज़्यादातर व्यवहार होता है। तो इस चीज़ को याद रखना है, 014965 जब भी हम लोग क्लास 7 में एस्टीमेशन का हम लोग मैथ बनाए हैं कि एस्टीमेशन में क्या होता है, इस चीज़ का ज़्यादा यूज़ होता है, यूनिट डिजिट का होता है। तो आप लोग घर में इसको देखते रहिएगा तो ये और आसान हो जाएगा। लेकिन प्रॉपर्टी 9 को आप लोग बढ़िया से याद रखिएगा कि किसी संख्या का अगर यूनिट प्लेस ऑन है तो स्क्वायर नंबर का यूनिट प्लेस क्या हो जाए, प्लेस में क्या हो जाएगा, वो भी ऑन हो जाएगा। किसी नंबर के यूनिट प्लेस में अगर 9 है तो भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर नंबर के यूनिट प्लेस में 1 हो जाएगा। ठीक है, यानी इस टेबल को आप लोग याद रख लीजिएगा तो इस टेबल के सहारे हो जाएगा। आप लोग मेरे वीडियो को 1x1 देखते रहिए और अगर पसंद आए तो आप लोग लाइक शेयर और कमेंट भी कर दीजिए, अपने साथियों को भी आप लोग शेयर कर दीजिए ताकि आपके साथियों लोग को भी ये जो चैप्टर है स्क्वायर स्क्वायर रूट्स आसानी से समझ सकें।